हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर इंग्लिश टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9, ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, भारत की महान सपूत। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की स्टोरी हमने जो है आपको हाफ पिछले वीडियो में बताई थी। अब आगे की चैप्टर जो है उसे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सुखदेव वॉज अ ट्रू वैलेंट। वंस वन ही वॉज इन ब्रॉस्टल जेल इन लाहौर, ही वॉज ऑन अ हंगर स्ट्राइक। फॉर अ कपल ऑफ डेज ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, ही वॉज फोर्स टू ड्रिंक मिल्क। यंग सुखदेव वॉज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, ही वॉज अ डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेटर। इफ भगत सिंह वॉज द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सुखदेव वॉज इट्स इफिशियंट कोऑर्डिनेटर। वंस ही पोर्ड नाइट्रिक एसिड ऑन हिज आर्म टू गेट रिड ऑफ हिज नेम टैटूड ऑन इट। नॉट ओनली दिस, ही बर्नड हिज हैंड टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ हिज नेम फ्रॉम इट। हिज फियरलेसनेस, ब्रेवरी एंड पैट्रियटिज्म आर वर्दी ऑफ एडमायरेशन। सुखदेव विद राजगुरु वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लेटर ही वॉज हैंग्ड। स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए। सुखदेव वॉज अ ट्रू वैलियंट। सुखदेव जो थे वो एक सच्चे वीर थे। वंस वैलियंट मीन्स क्या होता है? वीर। वंस वन ही वॉज इन ब्रॉस्टल जेल इन लाहौर, जब एक बार वो ब्रॉस्टल जेल में थे, लाहौर की ब्रॉस्टल जेल में, ही वॉज ऑन अ हंगर स्ट्राइक, तो वो जो है भूख हड़ताल पर थे। फॉर अ कपल ऑफ डेज, दो दिनों के लिए, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ही वॉज फोर्स टू ड्रिंक मिल्क, उन्हें जो है दूध पीने के लिए फोर्स किया गया कि नहीं, दो दिन से आप जो है भूख हड़ताल पर हैं, तो उनका जो है उनकी जो है मतलब स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया कि वो क्या करें, दूध पी लें। यंग सुखदेव वॉज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, लेकिन जो सुखदेव थे वो जो है बहुत ही दृढ़ संकल्पी थे, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ही वॉज अ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटर, और वो जो है एक कुशल जो है प्रशासक भी थे। इफ भगत सिंह वॉज द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर भगत सिंह जो है इस संस्था के जो है लीडर थे, तो सुखदेव वॉज इट्स इफिशियंट कोऑर्डिनेटर, तो सुखदेव भी इसके जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आवश्यक जो है समन्वयक थे। वंस ही पोर्ड नाइट्रिक एसिड ऑन हिज आर्म टू गेट रिड ऑफ हिज नेम टैटूड ऑन इट, एक बार उन्होंने अपने हाथ पर, उनके हाथ पर जो है उनके नाम का टैटू बना हुआ था, जिससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, तो उससे उन्होंने छुटकारा पाने के लिए उस पर जो है नाइट्रिक एसिड तक डाल लिया था। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, ही बर्नड हिज हैंड टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ हिज नेम फ्रॉम इट, तो उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा उन्होंने अपना हाथ जला दिया था उस सारे साइंस को मिटाने के लिए, जो भी उनके नाम के उनके जो है हाथ पे साइन बने हुए थे उसको वो उन्होंने हटाने के लिए जो है पहले उस पर नाइट्रिक एसिड डाल लिया, तब भी नहीं छूटा, तो फिर उन्होंने उसको जो है जलाने की भी कोशिश की थी। जैसे होता है ना कि हम लोग अपने हाथ पे अपना नाम का टैटू बनवा लेते हैं, गुदवार जो लिया जाता है तो छूटता तो है नहीं, तो उसने उनके बचपन में जो है उनके नाम को कुछ मतलब ऐसा टैटू बना दिया गया था जिसे वो पसंद नहीं करते थे, जो उनके लिए एक अभिशाप की तरह था, कर्ज था, तो उसी को वो जो है हटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पहले उस पर नाइट्रिक एसिड डाला, तब भी नहीं, फिर उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की। हिज फियरलेसनेस, ब्रेवरी एंड पैट्रियटिज्म आर वर्दी ऑफ एडमायरेशन, उनकी जो है फियरलेसनेस मतलब निडरता, बहादुरी और देशभक्ति जो है वो जो है प्रशंसा के योग्य है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सुखदेव विद राजगुरु वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद लाहौर कॉन्स्पिरेसी, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी पकड़ लिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में, लेटर ही वॉज हैंग्ड, और कुछ दिन बाद उन्हें जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट,
द थर्ड रिवॉल्यूशनरी हु वॉज हैंग्ड विद सुखदेव एंड भगत सिंह वॉज शक्ति पड़ा राजगुरु हु वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1908 इन पुणे महाराष्ट्र। हिज फादर वॉज हरि नारायण राजगुरु। राजगुरु वॉज ऑल्सो फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी जील एंड ही ज्वाइन भगत सिंह। ही असिस्टेड भगत सिंह इन मैनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। वंस ही वॉज टू ब्लास्ट द गवर्नर एट पूना रेस कोर्स बट सम इन्फॉर्मर चीटेड हिम एंड ही वॉज अरेस्टेड। ही वॉज देन ट्राइड फॉर मर्डर एंड वॉज फाउंड गिल्टी। ही वॉज also hanged। जो तीसरा रिवॉल्यूशनरी है जिन्हें सुखदेव और भगत सिंह के साथ में फांसी चढ़ा दिया गया था वो है शक्ति पड़ा राजगुरु। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु था। राजगुरु जो थे वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी उमंग से भरे हुए थे। ही ज्वाइंट भगत सिंह, इन्होंने भगत सिंह को ज्वाइन किया। ही असिस्टेड भगत सिंह इन मैनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, उन्होंने बहुत ही जो है क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भगत सिंह को असिस्ट किया। वंस ही वॉज टू ब्लास्ट, एक बार उन्होंने क्या किया था, गवर्नर जो पूना रेस कोर्स था उसमें उसके जो गवर्नर थे उनको इन्होंने ब्लास्ट करने की कोशिश ब्लास्ट कर दिया था बट बट सम इन्फॉर्मर चीटेड हिम, लेकिन इन्हें जो है इन्हीं के कुछ इन्फॉर्मर ने क्या किया था, चीट कर दिया मतलब धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से ये पकड़े गए थे, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। He was then tried for murder and was found guilty। और इसके बाद इन्हें जो है मर्डर केस में जो है दोषी पाया गया, उसको मतलब मर्डर करने की कोशिश में दोषी पाया गया और इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। दिस थ्री यंग मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ फियरलेसनेस करेज पैट्रियटिज्म एंड सैक्रीफाइस। दे वर सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग बट दे डिड नॉट केयर। दे वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। वी शुड नॉट फॉरगेट दैम बिकॉज दे डाइड सो दैट वी कैन लिव। दीज थ्री यंग मैन, ये जो तीनों नौ युवक थे इन्होंने एक एग्जाम्पल बना दिया, उदाहरण दिया है फियरलेसनेस मतलब निडरता का, साहस का, देशभक्ति का और त्याग का। दे वर सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन इन्हें इसकी भी परवाह नहीं हुई। दे वर हैंग, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वी शुड नॉट फॉरगेट दैम, हमें इन्हें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये मर गए ताकि हम सब जी सकें। इन्होंने देश को आज़ाद कराया जिस वजह से आज हम जो है एक जो है फ्री इंडिया में रह रहे हैं, नहीं तो आज भी हम लोग जो है क्या होते, अंग्रेजों के गुलाम होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्री यंग मैन कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।